नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज एक बहुत ही खास दिन है, मेरे लिए नहीं बट हज़ारों पेन स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज है ग्रेजुएशन डे। तो आज लगभग 5,000 के आसपास PSU के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो आज हम आए हैं दीक्षित के ग्रेजुएशन के लिए और हेमंत के ग्रेजुएशन के लिए। तो हमारे साथ है रेनु, दीक्षित के मम्मी, चेतना, दीक्षित के पापा और हमारा ग्रेजुएशन बॉय दीक्षित और हेमंत। पता नहीं दिख रहे हैं नहीं वीडियो में, पर तो आपको हम दिखाएंगे आज का ग्रेजुएशन सेरेमनी जो PSU में होने वाला है। आज का ग्रेजुएशन BJC ब्राइस चौडन सेंटर में है और दीक्षित और हेमंत तैयार है ग्रेजुएट होने के लिए। आज करीब 4,500 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं PSU में। तो इस बार इन लोगों ने 3 बैचेस में ग्रेजुएशन सेरेमनी करी है। एक सुबह 9:30 को थी, एक 12:30 को और अभी एक 4:30 को है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, दीक्षित और हेमंत नीचे फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स बैठेंगे और फिर थोड़ी देर में सेरेमनी चालू होने वाली है। तो ये है ब्राइस जॉर्डन सेंटर, ये एक मल्टीपर्पज इवेंट सेंटर है। यहाँ पे कॉन्सर्ट, ग्रेजुएशन सेरेमनी, बास्केटबॉल गेम्स तरह जैसे कि इवेंट्स यहाँ पे हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि अंदर जाने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी चेक हो रहा है। नो बैग्स अलाउडेड, नो लिक्विड, छोटी सी पर्स वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वही अंदर ले जा सकते हैं। तो देखिए स्कैनर भी लगे हुए हैं और प्रॉपर चेकिंग हो रही है सबकी। तो ये है ब्राइस जॉर्डन सेंटर और इसमें एक साथ 15,000 लोग साथ में बैठ सकते हैं। दीक्षित के डिपार्टमेंट में एक लंच ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो हम सबको भी इनवाइट किया दीक्षित ने, तो हम सब अभी लंच के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लंच यहाँ पे होने वाला है। तो ये है अपना आज का लंच, पास्ता, सैंडविचेस, आई थिंक सूप, चिप्स और एंड में कटेंगे केक। अंकल चेक कर रहे कि सब हिसाब ठीक है ना। दीक्षित उनके डायरेक्टर के लिए कुछ गिफ्ट लाया है। सो अपने डायरेक्टर्स को पहनाएगा भी दीक्षित। With this program and yeah, this journey. Thank you. Oh yes. तो अभी दीक्षित और हेमंत दोनों नीचे जाएंगे फ्लोर पे और हम उनको कैप्चर करने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं।
तो ये जो पूरी लाइन जा रही है सब गाउन पहन के, वो सब नीचे जा रहे हैं, और ये सब लोग जो है गाउन पहने हुए वो सब ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो मॉर्निंग में जो 9:30 और आफ्टरनून में 12:30 के जो दो ग्रेजुएशन सेरेमनीज हुए थे उसमें मोस्टली अंडर ग्रेजुएट्स थे, और अभी जो 4:30 का है उसमें मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स हैं। तो करीब 1000 स्टूडेंट्स के आसपास मास्टर्स के हैं और 200 के अराउंड PhD स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने सारे हैं एक साथ ग्रेजुएट होने वाले, उसके लिए उनको 3 बार ग्रेजुएट सेरेमनी करनी पड़ी एक ही दिन में। तो ये आखिरी है, नंबर 3। तो ये स्टेज है जहाँ पे चीफ गेस्ट और बाकी डीन्स, कॉलेज के डीन्स, पता नहीं प्रेसिडेंट आएंगे या नहीं, पर प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं, जो यहाँ पे स्टेज पे बैठेंगे। तो यहाँ पे 15,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे रेनू, चेतना, दीक्षित के मम्मी पापा सब बैठ के वेट कर रहे ग्रेजुएशन सेरेमनी चालू होने का। तो चलो अंकल से पूछते हैं कैसा फील हो रहा है दीक्षित ग्रेजुएट हो रहा है। तो कैसा लग रहा है अंकल? बहुत बढ़िया लग रहा है। पेंस्टेड यूनिवर्सिटी में इतना तो कैंपस मैंने कभी कोई देखा, मैं देखा भी नहीं है, बहुत अच्छा है। चलो आंटी ने पण आपने पूछिए कि आंटी ने केव लागे छे कि जो दीक्षित हवे ग्रेजुएट થાય છે તો સારું લાગ્યું। બોલ। ચલો તમને અમેરિકામાં કેમ મજા આવે છે કે ઇન્ડિયામાં વધારે મજા આવે? અમેરિકામાં વધારે મજા આવે તમને? એમ મજા આવે ને? હા, થોડા દિન હે તો અભી થોડા ઉનકો યુએસ મે અચ્છા લાગેગા, અભી સ્નો ચાલુ નહીં હુઆ હે તો અભી ઠીક હે ફિર ભી। यहाँ पे चेतना और रेनू भी है, इन लोगों का ग्रेजुएशन तो इंडिया में हुआ, तो इनसे पूछते हैं कि यूएस का ग्रेजुएशन अच्छा दिख रहा है, फिर इंडिया में जो उनका हुआ वो अच्छा था? इंडिया का भी अच्छा था, यहाँ भी अच्छा है। अच्छा, इतने बड़े स्तर पे होता था कि इंडिया में? नहीं, इतना बड़ा तो नहीं था इंडिया में। चेतना तो सोच रही कि एक और मास्टर कर ले ताकि उसको ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने का मौका मिले, सही कहा ना चेतना? हाँ, यहाँ का माहौल देख के तो लगता है कि यहाँ पे एक डिग्री तो मिलना चाहिए। तो पोस्ट डॉक के बाद भी मैं मास्टर करने के लिए रेडी हूँ ताकि ऐसे जगह ऐसे एम्बियंस में मिल जाए एक डिग्री। नहीं, मजाक था वो तो। मेरा अंडर ग्रेजुएट का ग्रेजुएशन था 2011 में, और PhD का ग्रेजुएशन तो मेरा मिस हो गया क्योंकि कोविड आ गया था उस टाइम पे। तो काफ़ी सालों बाद मैं किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड कर रहा हूँ, खुद का तो नहीं कर पाया PhD का, पर अभी किसी और का तो एटलीस्ट करने को मौका मिल रहा है, और मेरा पेन स्टेट का पहली बार मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी देख रहा हूँ। हर कॉलेज का थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, बट ओवरऑल काफ़ी सिमिलर अरेंजमेंट्स होते हैं। वाले में इंडिया का फ्लैग लगाया है, वो हेमंत है और बाजू में दीक्षित, तो अभी वो दोनों चेक इन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स के गले में आपको येलो या पिंक कलर के जो कपड़े लग रहे हैं गाउन के ऊपर, वो बेस्ड ऑन दी डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है। एक फनी बात आपको बताता हूँ, आज जो ग्रेजुएट लोग हो रहे हैं ना, उनके हाथ में डिग्री नहीं देंगे, डिग्री उनके मेलिंग एड्रेस पे जाएगी। सभी PhD स्टूडेंट्स और उनके एडवाइजर्स अभी आ रहे हैं, और साथ में पेन स्टेट की प्रेसिडेंट नीली बेंदीपुरी भी है जो कि इंडियन ओरिजिन है, और बाद में US नेशनल एंथम के साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी की शुरुआत होगी। तो अभी दीक्षित और हेमंत का ग्रुप है जो इबली कॉलेज ऑफ साइंस का, उनका नंबर आ रहा, और हर स्टूडेंट्स के हाथ में एक QR कोड होता है जिसमें उनके नाम लिंक होता है, तो सभी स्टूडेंट्स से उनसे पहले ही उनके नाम और उनके प्रोनाउंसिएशन ले रखे होते हैं। तो जैसे QR कोड स्कैन करेंगे वैसे ही उनका नाम प्रोनाउंस होगा और बड़ी डिस्प्ले पे उनका नाम दिखेगा।
Students graduating with a master's degree in the Eberly College of Science are Dixit Girish Bhai Rayani. Abhinaya Anand Soraya Narayan. Biotechnology. Benkata Hemant Sai Papula. Brook Stem. Biotechnology. Ariel Jean Tebow. Engineering. Kristen Wortha. Data Analytics. Tyler James Dixon. Software Engineering. Jia Chung Wu. By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees, I confer upon each of you the master's degree that you have earned, with all the rights, privileges, and responsibilities thereunto appertaining. Congratulations! तो अभी ग्रेजुएशन सेरेमनी ख़त्म हो गई, हम बाहर आ गए, दीक्षित और हेमंत भी बाहर आ गए, तभी थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे और फिर यहाँ से निकल लेंगे हम। तो मेरा भी एक पहला एक्सपीरियंस था पीएसयू के ग्रेजुएशन सेरेमनी का, जो आपको दिखाया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।